हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 ए क्या बोल रहा है? ए डिस्क हैविंग रोटेशनल इनर्शिया 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी मीटर स्क्वायर इज अटैच टू एन ए इलेक्ट्रिक मोटर विथ ए डिलीवर्ड ए टॉर्क ऑफ 30 न्यूटन मीटर ऑन द डिस्क। कैलकुलेट द डिस्क एंगुलर स्पीड, एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क डन बाय द टॉर्क इन 20 सेकेंड, गिवन दैट इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है ना? तो हमें क्या निकालना है? एंगुलर स्पीड, एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क डन बाय टॉर्क इन 20 सेकेंड। टाइम दिया गया है, तो एंगुलर स्पीड निकालना है हमें, दिया हुआ है इनर्शिया एंड टॉर्क। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4A, गिवन दैट इनर्शिया आई इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड टॉर्क टाउ, दिस इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन मीटर, ये है केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? एंड टाइम टी इक्वल्स टू 20 सेकेंड। हमें क्या निकालना है? एंगुलर स्पीड। द एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, रेडियस सॉरी रेडियन पर सेकेंड इनवर्स। दिस इज इक्वल्स टू 2 × 3.14 / 20 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज इक्वल्स टू 0.314 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर स्पीड निकल गया है, अब हम क्या निकालेंगे इसका? एंगुलर मोमेंटम दिस इज इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू क्या होता है? आई इंटू ओमेगा। दिस इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 0.314। ठीक है ना? एंड दिस इज इक्विवेलेंस टू 0.471 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है ना? उसके बाद वर्क डन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वर्क डन बाय टॉर्क क्या आ जाएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 0.314 स्क्वायर जूल। एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसे हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.07 4 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4B, व्हाट आर द कांस्टेंट ऑफ मोशन फॉर मोशन अंडर सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स? डिराइव द लॉ ऑफ इक्वल एरियाज फॉर सेंट्रल फोर्स मोशन। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी है, हमें क्या निकालना है? यहाँ पर बोल रहे हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो द कांस्टेंट कॉन्स्टेंट ऑफ मोशंस फॉर मोशन अंडर सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पर नंबर 1 क्या है? द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल। एंड नंबर 2 क्या है? द टोटल
मैकेनिकल एनर्जी ये दोनों एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंट्रल ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल एंड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये कॉन्स्टेंट है। उसके बाद हमें बोल रहा है कि यहाँ पर हमें निकालना है लॉ ऑफ इक्वल एरियाज फॉर सेंट्रल फोर्स मोशन। तो सेकेंड पार्ट लॉ ऑफ इक्वल एरियाज फॉर फॉर सेंट्रल फोर्स मोशन। ये निकालेंगे, इसके लिए हमें चाहिए एक डायग्राम। डायग्राम को लिख रहे हैं, सॉरी डायग्राम देखिए यहाँ पर क्या है, इस तरीके से ये ओ है, ये बी है, आर प्लस डेल आर एंड थीटा प्लस डेल थीटा है, एंड इस साइड में है ए पॉइंट विच इज आर थीटा, एंड ये जो पॉइंट है ये बी पॉइंट है, इस साइड में है एफ, एंड ये जो है ये एफ है एंड आर वेक्टर, एंड ये पॉइंट ओ है, ठीक है ना। उसके बाद इसे इस यहाँ पर देखिए और एक डायग्राम करना होगा इस तरीके से सेम, और ये पॉइंट बी जो है यहाँ पर जो एंगल हो रहा है वो 90 डिग्री है, और ये पॉइंट ए है, ये आर है, और ये जो एंगल हो रहा है ये डेल थीटा है, और ये साइड में है आर प्लस डेल आर, ये है ओ पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट कंसीडर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी आर थीटा। सपोज द पार्टिकल्स मूव्स From A to B in time del t, where its position vector क्या लिया है हमने r plus del r is r plus del r, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सपोज पार्टिकल मूव कर रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एट द टाइम डेल्टा टी, वेयर यहाँ पर पोजीशन वेक्टर क्या है आर। देखिए उसके बाद ये जो ट्रायंगल बना हम यहाँ पर करेंगे ना, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या आ जाएगा आर प्लस डेल आर ऑफ बी आर प्लस डेल आर एंड थीटा प्लस डेल थीटा। एंगल हुआ है थीटा डेल थीटा, तो थीटा प्लस डेल थीटा। नाउ नाउ क्या करेंगे द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी इज डेल ए दिस इज इक्वल्स टू ए बी सी सॉरी ए ओ बी है ना, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ओ ए इस ट्राइंगल से ओ ए बी ट्राइंगल, ठीक है ना। तो ओ ए एंड यहां पर क्या है ट्राइंगल एक निकाल रहे हैं, इसे एक लाइन खींच दीजिए यहाँ पर हो जाएगा ट्राइंगल, ठीक है ना। एंड बेस ओ ए आ जाएगा एंड
इनटू हाइट ए बी, दिस इज इक्वल्स टू हाफ आर इनटू आर डेल थीटा। तो उसके बाद डेल ए इक्वल्स टू डेल ए, दिस इज इक्वल्स टू हाफ इनटू आर स्क्वायर। ए ए ओ बी मतलब मान लीजिए ये ए ट्रायंगल ए है, ठीक है ना, आर स्क्वायर डेल थीटा। तो डी ए डी टी, डेल ए को हम डी ए डी टी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल ए बाय डेल टी, दिस इज इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल थीटा बाय डेल टी, ठीक है ना। यहाँ पर आर जो है वो कांस्टेंट है एंड हाफ इसे हम बाहर ले आए, दिस इज इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर डी थीटा डी टी, दिस इज इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। टी टेंस टू जीरो यहाँ पर आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर थीटा। नाउ यहाँ पर हम एक एम लाएंगे, तो डी ए डी टी दिस इज इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर थीटा करेंगे तो नीचे एक एम आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू हाफ एल बाई एम, दिस इज इक्वल्स टू एल बाई टू एम टू एम, ठीक है ना। ये आ गया आंसर। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4C, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4C का आंसर देखेंगे। आंसर क्या है, डिराइव क्वेश्चन क्या है, डिराइव द एक्सप्रेशन फ्रॉम द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इन टर्म ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इट्स सी एम एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स विद रेस्पेक्ट टू द सी एम। तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे, तो ये बुक में ही है आंसर। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर क्या निकालना है, एक्सप्रेशन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ये पूरा टर्म लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम इज गिवन बाय के इक्वल्स टू हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। यह है इक्वेशन नंबर वन, वेयर वी वन इक्वल्स टू डी आर वन बाय डी टी एंड वी टू इक्वल्स टू डी आर टू बाई डी टी, ठीक है ना। वी नो दैट आर सी एम दिस इज इक्वल्स टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू और एम वन प्लस एम टू इन टू आर सी एम, आर कैपिटल आर है सी एम, दिस इज इक्वल्स टू एम आर वन एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू और इसको हम क्या लिख सकते हैं, और एम वन आर वन माइनस आर सी एम, आर एम कॉमन एम वन कॉमन ले रहे हैं और प्लस एम टू कॉमन ले रहे हैं आर टू माइनस आर सी एम, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू, द पोजिशन वेक्टर
द पोजिशन वैक्टर ऑफ द पार्टिकल्स विथ रेस्पेक्ट टू द सी एम आर गिवन बाय आर वन डैश्ड दिस इज इक्वल्स टू आर वन माइनस आर सी एम एंड आर टू डैश्ड दिस इज इक्वल्स टू आर टू माइनस आर सी एम पुटिंग दिस वैल्यू इन वन पुटिंग दीज वैल्यूज वैल्यूज इन वन वी गेट क्या मिलेगा एम वन आर वन डैश्ड प्लस एम टू आर टू डैश्ड दिस इज इक्वल्स टू जीरो ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं थ्री ये इक्वेशन नंबर फोर उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री को तो क्या मिलेगा डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा तो इक्वेशन टू एंड थ्री हमें क्या मिलेगा एम वन वी वन डैश्ड प्लस एम टू वी टू डैश्ड इक्वल्स टू जीरो तो वी वन डैश्ड इक्वल्स टू वी वन माइनस वी सी एम एंड वी टू डैश्ड इक्वल्स टू वी टू माइनस वी सी एम तो नाउ v1 square this is equals to v1 into v1 and v2 square v2 into v2 ठीक है ना तो putting these values in one putting these values in one we get क्या मिलेगा k equals to half into m1 v1 into v1 and plus half m2 into v2 into v2 this is equals to half m1 v1 dashed plus vcm dashed into यहाँ पर v के लिए एक v के लिए हो गया उसके बाद second v के लिए ही सेम लिखेंगे v1 dashed plus vcm ठीक है ना and plus half m2 into v टू डैश्ड एंड प्लस वी सी एम एंड इन टू वी टू डैश्ड एंड प्लस वी सी एम और के इक्वल्स टू हाफ एम वी वन डैश स्क्वायर एंड प्लस हाफ एम टू एम हाफ एम एम वी वन एम वन इंटू एम टू दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर एम कर रहे हैं है ना और हाफ एम टू यहाँ पर वी टू डैश स्क्वायर एंड प्लस हाफ एम वन प्लस एम टू वी सी एम स्क्वायर एंड प्लस एम वन वी वन डैश एंड प्लस एम टू वी टू डैश वी सी एम ठीक है ना तो यहाँ पर हेयर m1 v1 dashed and plus m2 v2 dashed equals to 0 also m1 plus m2 equals to capital m ye hum put karenge to kya aa jayega k equals to half capital m vcm square and plus half m1 v1 square m1 hi hai yahan par to m1 plus m2 m put karenge m1 v1 square एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस हाफ एम टू वी टू डैश स्क्वायर ठीक है ना वी वन डैश स्क्वायर तो ये आ जाएगा आंसर ठीक है ना सी एम में ये हो रहा है आंसर तो क्वेश्चन नंबर देखिए फोर हो गया उसके बाद हम अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर फाइव करेंगे आज के वीडियो में इतना ही थैंक यू